हरदा में अजनाल रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने रिवर फ्रंट के लिए स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, अजनाल नदी के रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही विकसित किया जाएगा। नदी का गहरीकरण किया जाएगा और तट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रस्तावित रिवर फ्रंट के लिए हरदा गुप्तेश्वर मंदिर के पास नदी तट का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नदी के गहरीकरण और रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए सर्वे कार्य जारी है। मंत्री पटेल ने सर्वे दल के सदस्यों से कार्य की जानकारी भी ली। उन्होंने बताया कि अजनाल नदी के गहरीकरण से हरदा शहर वासियों को बाढ़ की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। मंत्री पटेल ने रेलवे अफसरों को पिल्याखाल में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरदा बाईपास पर बनने वाले आरओबी के निर्माण कार्य संबंधी बाधाओं को दूर कर जल्द कार्य आरंभ करने के निर्देश भी दिए। मंत्री पटेल ने खिड़किया में आरओबी निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पटेल ने यह भी बताया कि हरदा में श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जाएगी। ये कथा 7 से 13 दिसंबर तक कथावाचक जया किशोरी द्वारा की जाएगी, जिसमें क्षेत्र की जनता कथा का आनंद ले सकेगी। उन्होंने बताया, कथा में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 500 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह करना 500, कम से कम 500 जोड़े उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि रहे, और मुख्यमंत्री चलना तो सुबह वो जल्दी आ जाएंगे 10-11 बजे तो अपन रहेंगे। प्रमुख कार्यकर्ता है, इन सबको पूरी सूची रहेगी एक एक मकान की, और उसके हिसाब से टीम बनाकर जिसमें एक महिला, एक युवा, एक ये तो चौके तक जाना, महिला चौके तक जा सकती है, उनको निमंत्रण देना, पीले चावल घर दे के आना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।